अरे जन्म सब धोखे में बीती गयो, बड़ा ही प्यारा सा भजन है कबीर दास जी। इंसान का जन्म किस तरीके से धोखे में गुजर जाता है, आज कल कल की परसों परसों से अगले दिन ही करते रहते, लेकिन इंसान कभी भगवान का भजन नहीं कर पाता है। इंसान के 2 से 10 वर्ष यानी बचपन रहता है, खेलने में गुजर जाते हैं भैया। जब 20 वर्ष के होते हैं तो समझदार हो जाते हैं, 30 वर्ष के हो गए और जब घर में बच्चा कमाने के लायक हो जाता है तो माँ पिता को आस हो जाती है कि बेटा परदेश चले जाओ, 4 पैसे कमाना सीखो, परिवार चलाना पड़ेगा आगे चल कर। परदेश चले जाते हैं, उसके बाद में और भैया जब विवाह हो जाता है तो खुद का एक परिवार बन जाता, जिम्मेदारी निभानी पड़ती, लेकिन प्रभु का भजन करने का वक्त नहीं मिलता। उसके बाद जब 50-60 वर्ष की उम्र आती है ना तो दादा बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापे का कष्ट क्या होता है वो तो भाई जानते होंगे जो उस गली से भी गुजर रहे हैं। बुढ़ापा भाई नाती बेटा जिनकी जिनके लिए हमने सारी जिंदगी भर कमाई की, आगे चल के हमारे बच्चे दुखी ना रहे, तो वही बच्चे वही नाती वही पोते एक टूटा सा खटोला गा देते हैं, दरवाजे पे लिटा देते हैं, यहाँ पे पड़े रहो। उसके बाद में गाली और देते ऊपर से, अगर बाबा कहते नाती से बेटा थोड़ा पानी दे जाइए, और नाती जा रो मैच खेल हुए तो नाती गाय के डुकरा परेशान करे पतो नहीं कम मरे, ये दशा हो जाती। एक और कही लास्ट में, अभी आपके यहाँ कथा हो रही, घर पे परे रहते हैं, अरे इतनी दूर कथा हो रही है कौन सुनने जाएगा कौन यज्ञ करने जाएगा। अरे जब मरोगे भगवान से वादा करके आए हो, मरने के बाद वहीं पर जाना होगा तो भगवान फिर हिसाब किताब मांगेंगे, कहो वादा करके गए थे बहुत बड़े बड़े, प्रभु इस मृत्यु लोक पर इस धरती लोक पर भेज दो, तुम्हारा भजन करेंगे कीर्तन करेंगे कथा सुनेंगे दान पुण्य करेंगे, लेकिन कुछ किया कुछ नहीं कर पाया। और इंसान आज के जमाने में भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं, जिंदगी गुजर जाती है, घर पर
10 रुपए का दान भी नहीं कर सकते हैं किसी को, 10 रुपए दान नहीं दे सकते हैं किसी को। मैंने अपनी आंखों से देखे, भूखा इंसान आ जाता है तो दरवाजा बंद कर देते हैं भूखे। अरे क्या चला जाएगा तुम्हारा, भगवान ने तुम्हें इस लायक बनाया। इंसान वही होता है जो इंसान के काम में आए, वरना मरने के बाद तो राख ही बनना है। कोई याद नहीं करेगा कि तुम कितने सुंदर थे। सुंदरता नहीं बल्कि इंसान का सुंदर जो चरित्र होता है, उसके अंदर जो स्वभाव होता है, उसका व्यवहार होता है, बाद में लोग उस चीज से तुम्हें याद करेंगे। न कथा भागवत सुनी, न दान किया, न पुण्य किया, बाद में प्राण भी निकल जाते हैं, कुछ नहीं बचता है। और बताया एक नहीं सुनी तुम कथा भागवत, नहीं कछु दान कियो। जन्म सब धोखे में।